अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, होप यू विल बी फाइन। ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 173, एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन जो है उसमें आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि इन फ्रैक्शंस को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बेसिकली दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आप पहले इस फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल जो नंबर है उसमें कन्वर्ट कर लें। अब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और देन डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 40 को अंदर लिखेंगे आप और 100 से डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि ये एक छोटा नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे, देन 100 फोर ज़ार 400। इस साइड में खुद से ज़ीरो ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा 0.4। अब आप 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। जब भी किसी नंबर को या किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। देखिए हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 100% के साथ। अब नेक्स्ट जो रूल वही है कि यहाँ पे देखिए ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट जो है वो 2 स्टेप आगे मूव कर जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट है तो आप खुद से एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 40%। इस तरह से आप इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 1 को अंदर लिखेंगे, 100 को बाहर लिख के आप इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि एक छोटा नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे, अभी भी छोटा है तो आप ऊपर ज़ीरो लगा के इसके साथ ज़ीरो ऐड कर लेंगे। 100 वन ज़ार 100, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 0.01। देन आप 0.01 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। यहाँ पे पॉइंट जो है वो 2 स्टेप आगे मूव कर जाएगा, यहाँ पे आएगा 1%। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 3 को अंदर लिख के 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि छोटा नंबर है तो पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे। 5 सिक्स ज़ार 30, आंसर आएगा आपके पास 0.6। देन आप 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, 0.2 स्टेप आगे मूव कर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 60%। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से आपको एक 100 स्क्वेयर्स वाला बॉक्स दिया गया है और आपने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इनके काउंट करेंगे कितने जो यहाँ पे स्क्वेयर्स हैं उनको कलर किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25, तो ये आ जाएगा 25%। सिंपली अगर आपसे कहा जाए 100 बॉक्सेस का कोई स्क्वायर हो, उसके अंदर जो है कुछ स्क्वायर्स को कलर किया गया हो और आपने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी हो, तो आप सिंपली इन बॉक्सेस, कलर्ड बॉक्सेस को काउंट करेंगे। काउंट करने से जो आपका नंबर आएगा वही उसको उसकी परसेंटेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द ऑड वन आउट इन द सेट ऑफ 5 परसेंटेजेस, एक्सप्लेन योर आंसर। अब यहाँ भी आपको इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं कुछ और कहा है कि इसमें से ऑड वन आउट निकालें। तो ऑड वन आउट निकालने के लिए अगर आप देखें कि नंबर किस तरह से है, 10 है 11 13 17 19। ऑड वन आउट का मतलब होता है जो नंबर सबसे डिफरेंट हो। तो अगर देखें तो 10 एक इवन नंबर है, 11 एक ऑड नंबर है, 13 भी ऑड है, 17 भी ऑड है, 19 भी ऑड है। सिर्फ 10 जो है वो इसमें एक इवन नंबर है। इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, और ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 10 जो है इवन नंबर है, तो 10 जो है वो ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज इवन नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में आपको इस तरह से एक सर्कल के अंदर पोर्शन बना के कुछ पोर्शन को कलर किया गया है और कहा है कि इसमें से जो कलर्ड पोर्शन है उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे देखें तो जो होल सर्कल होगा वो टोटल होगा 100%। जो भी चीज़ होल हो, अगर हम होल चीज़ किसी भी चीज़ को लें तो वो टोटल जो है वो 100% के इक्वल होती है। अब इसमें से अगर आप देखें तो इसमें से हाफ़ को शेड किया गया है और हाफ जो है वो एम्प्टी है, तो 100 का हाफ होता है 50, तो इट मीन्स ये हमारे पास 50% के इक्वल होगा। और यहाँ पे देखिए इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मीन्स 100 को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें से वन पार्ट को कलर किया गया है। तो आप 100 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपके आंसर आएगा 25%। तो इस तरह ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी 25%। इसी तरह से अगर इसके टू पार्ट्स को कलर कर दिया जाए तो ये हाफ़ बन जाएगा और हाफ जो है वो 50% के इक्वल होगा। इसलिए अगर इसी तरह अगर इसके थ्री पार्ट्स को जो है वो कलर कर दिया जाए तो देखें एक पार्ट जो है वो 25% है, नेक्स्ट 25%, नेक्स्ट 25%, 25 एंड 25 50 एंड 25 हमारे पास आ जाएगा 75%। और अगर इसको भी कलर कर दिया जाए तो सारा कलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100% जो है वो कलर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रियान ड्रा अ पैटर्न ऑफ 6 ट्राइंगल्स। पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स, रियान ने एक पैटर्न ड्रा किया है ट्राइंगल्स का, ही कलर 6 ट्राइंगल्स, उसने इसमें से जो 6 ट्राइंगल्स हैं उनको कलर कर दिया है, इस तरह से इनको कलर कर दिया है। What fraction of the triangles does he color? Write this fraction as a percentage. आपने बताना है कि इसमें से कितने जो है triangles को उसने color किया है, इसको पहले आप fraction में लिखेंगे then आप इसको percentage में convert कर देंगे। तो सबसे पहले fraction में लिखने के लिए जब fraction लिखते हैं तो सबसे पहले denominator में जो total whole thing होती है उसे लिखते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triangles हैं, तो नीचे आप 10 को लिखेंगे, ऊपर इतने पार्ट को लिखते हैं जिसको आप डिस्कस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप कलर्ड ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें से जो कलर्ड ट्रायंगल हैं उनके नंबर्स को काउंट करके ऊपर राइट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आ जाएगा 6/10। नेक्स्ट आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम ये वाले मेथड से आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आप पहले 6 को अंदर रख के 10 से डिवाइड करेंगे, 10, 6 are 60, आंसर आएगा आपका 0.6। देन आप 0.6 को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 60%। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास इस तरह से एक फ्रैक्शन और एक परसेंटेज लिखी गई है, आपने इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप सिंपली 50 को 5 से डिवाइड कर दें, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 10 50 होता है, तो 10 यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे आप 10 राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पेब्लो है 6 कार्ड्स। पेब्लो के पास इस तरह के 6 कार्ड्स हैं, ही फाइंड 2 सेट्स ऑफ कार्ड विद इक्विवेलेंट वैल्यूज़। उसने कहा है कि इसमें से जो 2 सेट ऑफ कार्ड है वो इक्विवेलेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब 2 सेट ऐसे हैं जिनकी आंसर जो हैं वो एक जैसे आते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए आप या तो इस सबको एक जैसी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, या तो सबको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें, या सबको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर सबको जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे लिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान है। देखें ये ऑलरेडी जो है वो परसेंटेज में इसको ऐसे राइट कर देंगे, 2 और 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 को अंदर लिख के 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20, आंसर आएगा 0.4। देन आप 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ तो आंसर आ जाएगा 40%, मीन्स 2 और 5 इक्वल होता है 40% के। इसी तरह से 0.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, ये आगे चला जाएगा तो इसका आंसर आएगा 40%। सेम इसी तरह से 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, तो ये 0.2 स्टेप आगे चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20%। 4/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले 4 को अंदर लिख के 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 4s are 40, आंसर आएगा आपका 0.4। 0.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 100% के साथ, 0.2 स्टेप आगे चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 40%।
नेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो ये इसके 40% आ जाएगा। अब यहाँ भी देखें, 2/5 का आंसर 45% है, 0.4 का आंसर 40% है, 4/10 का आंसर 40% और इसका आंसर 40% है। तो देखिए, ये फोर वैल्यूज़ का आंसर जो है वो 40% है और इन दोनों का जो आंसर है वो 20% है। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। मींस यहाँ पे सारी फ्रैक्शंस आनी चाहिए, यहाँ पे डेसिमल्स और यहाँ पे परसेंटेज। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर है, आपने इसको फ्रैक्शन में और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। आप इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 स्टेप आगे मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 50%। अगर आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका पॉइंट ख़त्म करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद वन डिजिट है, तो इट मींस इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आंसर आ जाएगा 5/10। आप देखें, कोई ऐसा टेबल देखें जिसमें 5 भी आता हो और 10 भी आता हो। तो 5 एक ऐसा टेबल है जिसमें 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 के सेट में 5 आता है, 5 1s are 5 और 10 आता है, 5 2s are 10। तो ये जो आपका डेसिमल है ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज है, आपने इसको डेसिमल में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब आपने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं 100% के साथ। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे 10% है, तो इसकी परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आप 10 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। आप 10 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा 0.1। इस तरह से ये परसेंटेज जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखें कि 0.1 है, पॉइंट के बाद वन डिजिट है, तो मींस इसको जब इसका पॉइंट ख़त्म होगा तो इसको डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, इसके नीचे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो 9/10 है, इसको आपने डेसिमल में और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 9/10 को कन्वर्ट करने के लिए पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 9s are 90, आंसर आएगा 0.9। तो देखिए, ये हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 90%। इस तरह से हमारा ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, शाइमा मेक अ फ्रैक्शन यूजिंग 2 नंबर कार्ड्स। शाइमा ने एक फ्रैक्शन बनाई है जिसमें 2 नंबर्स कार्ड हैं। शी सेज माई फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 50%, वन ऑफ द माई कार्ड इज 6। उसने कहा है उसकी जो फ्रैक्शन है वो इस तरह से है कि वो इक्विवेलेंट है 50% के, कि उसका जो आंसर है वो 50% आता है और दोनों में से जो एक कार्ड है वो 6 है, दोनों में से एक कार्ड 6 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 6 को फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर लिख लेते हैं, अगर 6 को आप ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे जो नंबर आएगा वो इसका डबल होगा। मीन 6 लिखा है तो नीचे वाला नंबर कैसे आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो 50% आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको इस मेथड से पहले डिवाइड करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट, उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन आप डेसिमल को मल्टीप्लाई 100% कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो 50% आ जाएगा। और एक और मेथड ये है कि आप 6 को अगर नीचे लिखेंगे, अगर आपने नीचे 6 लिख लिया है तो ऊपर आप ऐसा नंबर लिखेंगे जो 6 का हाफ होगा। मीन 6 का हाफ क्या होता है, 3, तो ऊपर आप 3 लिखेंगे। इस तरह से करेंगे तब भी ठीक कंसीडर होगा, इस तरह से करेंगे तब भी ठीक। मीन्स अगर आप बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऊपर 6 लिख रहे हैं तो नीचे जो नंबर हो वो 6 का डबल हो, लेकिन अगर आप नीचे 6 लिख रहे हैं तो ऊपर जो नंबर होगा वो 6 का हाफ होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।